यूपी में प्रवेश कर गई है और कोरोना भी बहुत तेजी से दस्तक दे रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो राहुल गांधी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक ये यात्रा की। और दूसरी बात का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब जब कोई बड़ी चीज़ आती है, चुनाव या कोई भी पॉलिटिकल चीज़, तब कहीं न कहीं से कोरोना का भय दिखा दिया जाता है। अब इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। इस समय पूरा विपक्ष एक होगा और एक होकर एक ऐसा तमाचा मारेगा सत्ता पक्ष पर कि वो चारों खाने चित्त गिर पड़ेगा। इस मौके पर विशेषकर मैं कहूँगा कि हमारे नेता शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा ताना वाना बुन दिया है कि उसको उधेड़ना, उसको उखाड़ना किसी में अब दम नहीं बचा है। क्या शिवपाल यादव आरक्षण को लेकर के अभी मुहिम जारी रहेगी, इसके आगे और लड़ाई है? आरक्षण के मामले में हमारे धरती पुत्र शिवपाल सिंह यादव जी ने तो पहले ही आंदोलन की घोषणा कर दी है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आरक्षण की वापसी नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि आंदोलनकारी के रूप में शिवपाल सिंह विश्वविख्यात हैं। जब जब उन्होंने आंदोलन किया या नेताजी ने आंदोलन किया, असली जो हाथ माननीय शिवपाल सिंह यादव का रहा है, निर्भीक और निडर नेता है, उनका आंदोलन 100% सफल होगा। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आरक्षण के तहत देगा? देखिए, जो इस समय के हालात हैं और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, वो 100% फैसला आरक्षण के हक में देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इस ठंडक में आपके ट्रस्ट द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, लोहिया ट्रस्ट जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, आज माननीय शिवपाल सिंह यादव जो कि इस समय इटावा में है, आज नहीं हमेशा उन्होंने अलाव जलाने का काम किया है। जब किसी को कोई ठंडक से ख़त्म होता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक ऐसा दैवीय आपदा है जो गरीबों पर सबसे ज़्यादा मार करती है। एक धोती में एक साड़ी में जा रही मजदूर की बेटी, मजदूर की माँ, मजदूर की बहन को मालूम होता है कि ठंडक क्या होती है। ठंडक का दर्द केवल गरीबों को पता चलता है और उस दर्द को हमेशा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने अपने मन से लिया है और उनकी मदद की है।